शुभम करोति मंगलम। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। तो चलिए जानते हैं क्या कहती हैं आपकी राशियां और क्या हो सकता है आपके साथ। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं मेष राशि के विषय में। तो जिनकी राशि मेष है उनके जीवन में आज दिन अच्छा निकल सकता है। मानसिक रूप से आप थोड़ा सा अपने आप को संतुष्ट पाएंगे। किसी प्रिय व्यक्ति से आपके मुलाकात होने से आपके जीवन में थोड़ा सा एनर्जी लेवल बढ़ेगा। पैसों का लेन देन आपका सोच समझ कर करें। माता पिता के आपके स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है, सावधानी रखें। खुद के स्वास्थ्य को भी लेकर सजग रहें, ये आपके लिए ज़रूरी है। रुके हुए कार्य आपके पूरे होने की प्रबल संभावना मुझे बनती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए चर्चा करते हैं वृषभ राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। वृषभ राशि वालों के जीवन में आज पॉजिटिव चेंजेस आ सकता है। पेट से संबंधित आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ी सी सावधानी रखें। पैसों का लेन देन सोच समझ कर करें और कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी का संचार अपने जीवन में बैठाएं। पुरानी चीज़ों को छोड़कर जीवन में आगे बढ़ें, यही आपके लिए आपके सफलता के दरवाजे खोलेगा। मेहनत पूरी करें तभी आपको सफलता मिलेगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होने की प्रबल संभावनाएं मुझे बनती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन अपना प्रयास जारी रखें। तो चलिए चर्चा करते हैं मिथुन राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। मिथुन राशि वालों के जीवन में स्थिति पहले से अच्छी है। आपको रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। जिन युवक युवतियों के विवाह के योग नहीं बन रहे थे उनको आज अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। बहुत दिनों से अगर आप वाहन खरीदने की कोई प्लानिंग कर रहे थे तो ये प्लानिंग आपकी सक्सेस हो सकती है। अचानक आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आएगा जो आपके जीवन को काफ़ी पॉजिटिव करके जाएगा। तो चलिए चर्चा करते हैं कर्क राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। कर्क राशि वालों को बहुत ज़्यादा निराशा हो सकती है आज के दिन, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन भी है आपकी लाइफ में कि आप चीज़ों को मैनेज करने का प्रयास कर रहे हैं। हम कई बार चीज़ों को जिस रूप में देखते हैं वो वैसी नहीं होती जैसी हमें दिखाई देती है। उसका प्रारब्ध, उसका स्वरूप कुछ और होता है और हम कुछ और समझ लेते हैं। कर्क राशि वाले बहुत ज़्यादा मन से सोचते हैं इसलिए वो दूसरे के बहकावों में जल्दी आ जाते हैं। तो मेरा आपको ये एक सलाह है कि सोच समझ कर निर्णय लें, बहकावे में ना आए, ये आपके लिए भविष्य में हानिकारक हो सकता है। चर्चा करते हैं सिंह राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। सिंह राशि वालों को आज काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है। आपका रुका हुआ कार्य पूरा हो सकता है, रुका हुआ धन मिल सकता है, लोगों से आपको सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन आज के दिन आप यात्राओं को टालें, ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो चलिए चर्चा करते हैं कन्या राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। कन्या राशि वालों को अपने जीवन में पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आप लगातार डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, पैसे की तंगी, आर्थिक स्थिति में गिरावट आपको काफ़ी मानसिक रूप से परेशान कर रही है। चीज़ों को पहले से अच्छा करने का प्रयास करें, मन को एकाग्र करें और अपने कार्य व्यापार में ले जाएं और वहाँ पर जाकर अपनी चीज़ों को अच्छे से अच्छा करने का प्रयत्न करें, तभी आपको अपने रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। नहीं तो आप और ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। स्वास्थ्य का भी ध्यान दें, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। तो चलिए चर्चा करते हैं तुला राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। तुला राशि वालों के जीवन में पहले से स्थिति थोड़ी सी अच्छी है, आपको लाभ होगा, रुके हुए कार्य आपके पूरे होंगे, लेकिन आपके स्वास्थ्य के प्रति आप लापरवाही ना करें, ये आपके लिए काफ़ी हानिकारक हो सकता है। तो चलिए चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। वृश्चिक राशि वालों के जीवन में जिस प्रकार वो अपने कार्य व्यापार को रूप देना चाहते हैं उस प्रकार से वो उस कार्य को संपन्न नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उनके जीवन में काफ़ी सारे इश्यूज खड़े हो गए हैं और वो मानसिक और शारीरिक और आर्थिक तीनों ही प्रकार से परेशान हो रहे हैं। लेकिन जिनके विवाह के योग बहुत दिनों से नहीं सफल हो पा रहे थे उनको लाभ होने की मुझे प्रबल संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। चलिए चर्चा करते हैं धनुराशि के स्टार्स क्या कहते हैं। धनुराशि वालों को थोड़ा सा प्रयास बढ़ाने की आवश्यकता है। किसी के बहकावे में ना आए, व्यर्थ के विवाद से दूर रहें, वाहन सोच समझ कर चलाएं, ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। आपको पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकती है, सावधानी रखें, अन्यथा आपको बड़ी समस्या झेलनी पड़ सकती है। तो चलिए चर्चा करते हैं मकर राशि के स्टार्स क्या कह रहे हैं। मकर राशि वालों को जिस प्रकार वो अपने कार्य को संपन्न करने का प्रयास कर रहे हैं उसमें उनको सफलता नहीं मिलेगी, चीज़ें आपकी बिखर जाएंगी। सोच समझ कर जीवन में निर्णय लें। कोई फाइनेंशियल निर्णय अगर आप लेने जा रहे हैं तो व्यर्थ की चिंताओं को छोड़कर कुछ पॉजिटिव चेंजेस अपनी लाइफ में करें, तभी आपको लाभ होगा, अन्यथा आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। तो चलिए चर्चा करते हैं कुंभ राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। कुंभ राशि वालों के जीवन में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। आज दिन आपका पहले से उत्तम है। किसी प्रिय व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी। रुका हुआ कार्य भी आपका कुछ बनने की संभावना है। मशीनरी टूट फूट हो सकती है जिसमें आपको भारी मात्रा में धन का नुकसान हो सकता है। तो चलिए चर्चा करते हैं मीन राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। मीन राशि वालों के लिए दिन अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा से मन में उलझने ज़्यादा है।
चीज़ों को आप उस रूप में नहीं ले पा रहे हैं जिस रूप में आप लेना चाहते हैं, तो अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करें, अपना 100% अपने वर्क को दें, अपने जीवन को दें, ताकि आप स्थिति को बेटर करें या अच्छा करने का प्रयास करें, तभी आप अपने जीवन में परेशानियों से बाहर निकल पाएंगे। आपकी जो भी ग्रह स्थितियां होती हैं वो राशियों के अनुसार आपके ग्रहों को प्रभावित करती हैं, और उसके अनुसार ही हमारा पूरा दिन डिसाइड होता है, हमारा 24 घंटा डिसाइड होता है कि इन राशियों के प्रभाव के कारण हमारे साथ क्या अच्छा और क्या बुरा हो सकता है। लेकिन ये एक प्रकार का प्रिडिक्शन होता है। जीवन में अच्छे फल प्राप्त करने के लिए अच्छे कर्म ज़रूर करें, पूरा प्रयास करें और मेहनत करें, तभी आपका डेस्टिनी साथ देती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें अवश्य बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। एक बार फिर से आप सभी को रूपाली श्रीवास्तव का नमस्कार।